जय भोलेनाथ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मार्केट अभी 9:21 हुई है दोस्तों, 9:21 हुई है और मार्केट अच्छा खासा डाउन खुला है, आपको पता ही है। तो देख लीजिए पहले निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हुआ, देखिए कहाँ ये क्लोज हुआ, 22,20,182, अभी चल रहा 19,545। कल आप लोग को बोला था 2:10 के बाद शॉर्ट कर लीजिएगा, कुछ नहीं उखड़ा किसी का भी। देखो 9,296 पे निफ्टी क्लोज हुआ था, 9,142 का लो बना दिया। ये फ्यूचर के बात कर रहा हूँ, अब याद दिलाता हूँ कुछ और बातें कि व्हाट इज प्रमोद जैन। यहाँ से सुनवाता हूँ कल वाला वीडियो। अब आज कल के लिए मैं कुछ स्टॉक बताता हूँ आपको, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आज की, मैं उनको लिखता भी जाऊंगा, यहाँ पे लिखता जाऊंगा। मैं यहाँ पे लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ फ्यूचर्स के, फ्यूचर्स के। ये रिलायंस 1368 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP दिख रहा है आपको, तो मेरा इसका कल का टारगेट है 1331 मिनिमम। कल के लिए टारगेट है मिनिमम 1331, स्टॉप लॉस है कल के लिए 1410, क्योंकि हो सकता तेज खोल दे, तो 1410 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस थोड़ी तेजी में है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज दूसरी क्लोजिंग दी है। फिर भी मैं बोलता हूँ कल ये 1331 या उससे नीचे भी आएगा, तो आज का आप LTP ठीक है और बिलो टुमारो एक ट्वेल्व 34 या उससे नीचे। बाटा इंडिया फ्यूचर्स 1267 लास्ट LTP है, SL 1282 टारगेट 1234 और बिलो, हो सकता है 1210 भी आ जाए। तो चलिए ये मैं इतना सुनवाने की जगह मैं आपको डायरेक्टली ये फोटो दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने ATP और वो सारे यूज़ किए, आप देख सकते हो। तो एक बार सुबह सुबह सबको प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है फिर से वापस मार्केट जब ऊपर आता है। तो ये सारी दिए थे मैंने कल आपके सामने, और निफ्टी में भी बोला एनी क्लोजिंग स्टॉप स्टॉप लॉस होगा आपका और सेल में ही रहना है। तो रिलायंस फ्यूचर बोला था 1368 का लास्ट ट्रेड हुआ, 1331 का टारगेट। चलिए रिलायंस फ्यूचर देख लेते हैं पहले, अभी तक 1347 आया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। इसमें तो मुझे डाउट भी लगता है, इस पर तो बुक कर लेना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये कुछ अलग चाल में है, तो इसको आप जब भी वापस 50 के नीचे आए एक बार बुक करिए इसको। और बाटा इंडिया बोला था 1267 चल रहा है, 1282 का स्टॉप लॉस, 1234 का टारगेट। बाटा इंडिया 1249 तो आ गया लेकिन वापस ऊपर आया 1260, ठीक है। उसके बाद लिखा था मैंने HDFC बैंक 949.50 चल रहा था कल लास्ट ट्रेड, 960 का स्टॉप लॉस और 910 तक का टारगेट दिया था मैंने। HDFC बैंक 924 तो आ गया दोस्तों, इसको भी बुक कर लीजिए, बहुत हो गया। 924 कम नहीं होता, 951 की क्लोजिंग है। कल मैंने शॉर्ट दिए थे ये सब, आपको चाहिए तो मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे फॉलोअर्स को मैंने सब शॉर्ट दिए थे, वो सबको बोला होल्ड रखना कुछ नहीं होगा। चलिए मैं दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे मैंने कल शॉर्ट दिए थे।
उसके बाद दिया था हेवेल्स, 529.60 चल रहा था लास्ट ट्रेड, 41 का स्टॉप लॉस, 13 का टारगेट। कहाँ गया हेवेल्स? 516 तो आ गया दोस्तों, 13 बोला था, 16 आ गया, काफ़ी है। आप देख सकते हो इस लेवल का HDFC बैंक 21 आ गया, 21, दिस इज PJ। तो दोस्तों ये सारा प्रमाण दे रहा है कि मैं किस लेवल की स्टडी करता हूँ। और रही बात उसकी, तो मैं आपको, चलिए मैं फेसबुक खोल ही, फेसबुक में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो खोला हुआ नहीं, आपके सामने नहीं खोलना मुझे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।